नमस्कार दोस्तों, अगर मैं जय भीम के नारे लगाते हुए मंदिरों को तोड़ दूं तो आपका रिएक्शन क्या होगा? हिंदू और मुस्लिम के बीच की कम्युनल राइट्स के बाद अब ये जय भीम और जय सनातन के बीच की कॉन्फ्लिक्ट क्या है, आइए आज की इस वीडियो में समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले एलन हरदास 1935 में जय भीम स्लोगन को इंट्रोड्यूस करते हैं। बाबू हरदास डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के एक स्ट्रॉन्ग फॉलोवर होने के साथ साथ समता सैनिक दल के सेक्रेटरी भी थे। 1938 में बिहार के औरंगाबाद में भाव साहब मोरे एक बैठक करते हैं जिसमें भीमराव अंबेडकर भी आते हैं। इस बैठक में ये तय किया गया कि जिस तरह हिंदू जय श्री राम कहकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, उसी तरह जय भीम कहकर हम एक दूसरे का अभिवादन करेंगे। जय भीम स्लोगन कंट्रोवर्शियल तब हो गया जब इसे 2009 में इस्लामिक मदरसे ने एक फतवा जारी करके इसे एंटी इस्लामिक घोषित कर दिया। नरेंद्र जाधव जो कि राज्यसभा एमपी थे और आरबीआई के चीफ इकोनॉमिस्ट भी रह चुके हैं, ये अपने स्टेटमेंट में कहते हैं कि जय भीम का नारा दलितों के लिए एक महत्वपूर्ण जीत है। तो क्या जय भीम का नारा लगाते हुए संसद की सिक्योरिटी को ब्रेक करना एक जीत है? इस तरह से जय भीम स्लोगन की आड़ में मंदिरों को तोड़ना क्या सही है? एक तरफ वो जय भीम के नारे लगाते हैं क्योंकि वो भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, उनके आदर्शों पे चलते हैं, और ठीक दूसरी तरफ वे इस तरह की हिंसा को प्रमोट करते हैं। CAA NRC का प्रोटेस्ट हुआ तब जय भीम के नारे लगना, उसके बाद हाल ही में 13 दिसंबर 2023 को संसद की सिक्योरिटी को ब्रेक करके जय भीम के नारे लगना ना तो बाबा साहेब अंबेडकर की आइडियोलॉजी को मैच करता है और ना ही उनके मुताबिक है। मैं ये मानता हूँ कि बहुत कम ही ऐसे अनयूजुअल एलिमेंट्स हैं जो समाज में गंदगी फैलाते हैं, लेकिन उनसे इन्फ्लुएंस आजकल बहुत लोग हो रहे हैं जो कि बिल्कुल गलत है। भीमराव अंबेडकर के आदर्शों पे चलना एक बहुत अच्छी डाइवर्सिफाइड थॉट है, लेकिन उनके नाम के आड़ में जय भीम के नारे लगाना और ऐसे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना बिल्कुल गलत है। लास्ट में मैं अपनी सारी बातों को एक साथ समराइज करूं तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप बेशक जय भीम के नारे लगाइए, लेकिन इस नारे की आड़ में आप कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट मत कीजिए। धन्यवाद।